Hello everyone, I'm Laila Khatun, my last generation. आज मैं आई हूँ फैजम मेले में जो कॉस्मोपॉलिटन क्लब लॉर्ड गार्डन में हो रहा है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। फैजम फैज वाज बोर्न टू अ लैंडेड एजुकेटेड फैमिली इन सियालकोट ऑफ प्री पार्टीशन पंजाब on 13 February 1911. He did his master's from Government College Lahore in 1932. He taught English literature at Oriental College Amritsar and MAO College Lahore. He married to British citizen Alice in 1941. Like Faiz, Alice was also involved in the field of research and was influenced by his poetry and personality. Sabka Soviet Union ne inko Lenin Peace Award se nawaza aur Hukumat Pakistan ne inki adbi khidmat ke atraf mein inhe tagma-e-imtiaz ata kiya. He wrote many books. I'm gonna show you some of them. Faiz Ahmed Faiz's poetry contains a strong revolutionary consequences, hatred of slavery, attraction towards new society, and passion for change. Faiz Ahmed Faiz made 20 November 1984 ko wafat pai aur Gulbarg Lahore ke kabristan mein asuda-e khaak hain. Every year on the birth anniversary of Faiz Ahmed Faiz, the progressive parties and NGOs jointly organize the Faiz Aman Mela in Lahore. So, aaj ka ye mela ummeed e sehat ki baat suno ke theme ke saath munaqid kiya ja raha hai. Is mauka par bahut se stalls lagaye gaye hain jise shayqeen ki badi tadad visit kar rahi hai. फैसी गजलों की एक खसूसियत ये है कि इनमें सियासी और समाजी हालात की तर्जुमानी नज़र आती है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। Yeah.
ये आज के दिन का शेड्यूल है। नाउ इट्स टाइम टू वॉच स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो हमने ग्रिफिन इंस्टीट्यूट में, जो रेलवे का इंस्टीट्यूट है, वहां पे पहली दफा 92 में किया। और बेगम मेडल फेस्ट वहां पे हमारे साथ आई आबद हसन मिंटो साहब, उनको हम सलाम पेश करते हैं। हमने लाहौर में किया 92 में, वो वहां पे हुआ जो ग्रिफिन इंस्टीट्यूट थी। इंस्टीट्यूट उससे मेले की तमाम पोस्टर, हमारा एक साथी था गुलजार गिलगित, उसने 3 दिन मुसलसल पूरी रात जाग कर लाहौर की फतेह वहाद वो पोस्टर लगाए। कहते फैज अहमद फैज मुल्की और साम्राज्य के खिलाफ पिसे हुए तबकात को अपने हकूक के जदोजहद का ना सिर्फ दर्स देते हैं बल्कि अमली तौर पर उसमें पूरे सरार पुरजोर और पूरा असर किरदार भी अदा करते हैं। फैज कहते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। रब्बा सच्चिया में कुछ यूं भी कहते हैं, तू मेरी मन्ने ते तेरिया मैं मन्ना, तेरी सौं जे एक भी मैं गल मोड़ा, जे तांग नहीं पुछदी ते रब साइया, फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा। शाद अख्तर अली खान साहब शामिल हैं जिनका ताल्लुक शाम 84 घराना से है और वो फैज का एक कलाम हमारे साथ गाएंगे, गुलों में रंग भरे। से बात किए बगैर तो उनका बहुत शुक्रिया कि वो आई है। खुश आमदेद जी आया नू, वो जहां प्यार खानदान से शुरू होता था वो सारी दुनिया में फैलता था और बनिए इंसान तक पहुंचता था। वो दिल अफ्रीका के लोगों के लिए भी धड़का, वियतनाम के लोगों के लिए भी दुखा और फिलिस्तीन उनका आखिरी इश्क था। मौकों पे मुख्तलिफ चीज़ें, कभी जेल के ज़माने के बाद, कभी कुरान, कभी जब जलावतन थे, जब कभी आती थी तो लोग हाथों हाथ लेते थे। जेल से जब कोई नज़म आती थी तो मेरी अम्मा जो है किसी अखबार के यहाँ बेच देती थी, उसके बारे नए जूते आ जाते थे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे, ऐ खाक नशीने उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिन्नानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से नटाले जाएंगे। करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाए। बहुत प्यार हम सब की तरफ से, जीते रहें और साथ चलें। थैंक यू मिस सलीमा। आज नहीं ते कल होवेगी, मेहनत कश्ती गल होवेगी, जेना रज के रोटी लभी, धरती ते करताल होवेगी, झूठियां दे गल फा होवेगा, खलकत सच्चियां बल होवेगी, या ते लाश होवेगी मेरी, या फिर तेरी खल होवेगी। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब साबिर अली साबिर से, असी हो असी तुसी हां, तुसी असाथों नहीं लुक सकदे, असी तुहानू नहीं भुल सकदे, तुसी भी इत्थे असी भी इत्थे, असी तुहानू जे रड़कने आ ते गल कर लो, क्यों नहीं करते के गल ही कोई नहीं, जे गल कोई नहीं ते रौला कद है,
कोई गल है या ते कर दे क्यों नहीं के मुंह नहीं हैगा मकाल नालों मकाल मेदा रिवाज पै जाए ते माड़ी गल है कोई गल करोगे ते गल बनेगी नहीं ते एहो ही जलालता ने अगो जिस तरह तुहाडी मर्जी तुसी भी इत्थे असी भी इत्थे दाल में बैठे हुए मेरे सब साथियों को ताहिरा जालिम का लाल सलाम मैं गजल का हूं तो कैसे के जुदा है मेरी राहें मैं गजल का हूं तो कैसे जश्न अभी हम मना नहीं सकते वो जिन पे जश्न मनाइए सवेरे बाकी हैं अजीब बात है कहते हो सुबह आई है मेरा ख्याल है अभी अंधेरे बाकी कलाम की दावत देता हूँ मोहतरमा सफिया हयात साहिबा तार गले का गहना होगा फिर भी सच तो कहना होगा मेरी जिद के आगे दरिया मेरी जिद के आगे दरिया तुझको उल्टा बहना होगा द फेमस क्लासिकल डांसर शीमा करमानी इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज सर उठाकर चलते हैं जहां इल्म आजाद है जहां कमाल हासिल करने के लिए अंथक कोशिश अपने बाजू फैलाती है जहां मुर्दा आदतों के खुश्क रेगजार में अकल के साफ चश्मे खो नहीं गए हैं आजादी की उस जन्नत में मेरे वतन को बेदार करो Hope you like my today's vlog. If you like it, please tell me in the comments. Like this video, share it with your friends and family, and please subscribe my channel. Also press the bell icon. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.